हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से इंडिया में आए और उनका ताल्लुक था कहां से. देयर सीम टू बी टू एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ द आर्यंस गॉट देयर नेम. अब कहा और माना जाता है कि आर्यंस का नाम किस तरीके से पड़ा, उसकी दो एक्सप्लेनेशन हमें मिलती हैं. दीज आर द वर्ड आर्या मीन्स प्योर और गुड इन संस्कृत लैंग्वेज. अब आर्य का मतलब क्या निकलता है, खालिस या अच्छा संस्कृत लैंग्वेज में. और नंबर टू, दे ग्रू कॉर्न फ्रॉम देयर कैटल एंड वर दस नेम्ड आर्या व्हिच मींस कल्टीवेटर आल्सो इन संस्कृत. अब दूसरा मतलब क्या है कि वो कॉर्न उगाया करते थे, मकई उगाया करते थे, इस वजह से उनका नाम आर्या पड़ा, जिसको हम कल्टीवेटर भी कहते हैं, यानी उगाने वाला. उसका मतलब भी संस्कृत में यही निकलता है. दोनों जो है वो संस्कृत संस्कृत मीनिंग के हिसाब से मतलब बता रहे हैं. हिस्टोरियंस से दैट द आर्यंस वर अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, एशियन एंड अराउंड द मेडिटेरेनियन रीजन इन यूरोप. दे वर नोमैड एंड पेस्टरल पीपल. Nomads are people who move from place to place in search of food and for shelter from harsh weather. अब आपने खानाबदोश के बारे में सुना होगा. खानाबदोश क्या करते हैं बेटा, कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. क्यों जाते हैं, जब मौसम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या फिर उनके पास खाना पीना ख़त्म हो जाता है. एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आप पहाड़ों पर जब जाते हैं तो ऊंचाई से लोग पहले नीचे आ जाते हैं. क्यों आते हैं, जब बर्फ हुआ ज़्यादा पड़ती है और मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, सख्त हो जाता है, यानी उनके बर्दाश्त बढ़ जाता है, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं डाउन टू अर्थ. और जैसे ही मौसम बेहतर होता है वो दोबारा ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. तो नोमैड्स उनको कहा जाता है. दे रेज लाइफ स्टॉक एंड यूज द बार्टर सिस्टम फॉर ट्रेडिंग. बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना. अब वो क्या करते थे कि वो जानवर पाला करते थे और बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे ट्रेडिंग के लिए, तजारत के लिए. एज वेल एज मूविंग टू सर्च फॉर फूड, दे आल्सो मूव फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेड नेबरिंग सेटलमेंट्स एंड स्टील देयर ट्रेजर्स एंड टू कंक्वर अदर लैंड्स. अब जैसे जैसे वो खाने की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे वक्त ब वक्त, तो वो जो नेबरिंग सेटलमेंट्स थे, यानी कि जिस जिस एरिया में वो जा रहे थे, वहाँ वो चोरियाँ भी कर रहे थे, उनकी माल भी चोरी कर रहे थे और जमीनों को फतह भी कर रहे थे. इन अराउंड 1500 BC द आर्यंस केम टू इंडिया इन लार्ज बोट्स एंड सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. अब माना यह जाता है कि आर्यन जो इंडिया आए थे वो बहुत झुंड में आए थे और वो सेटल कहाँ हुए थे, नॉर्थ वेस्ट. They were warriors and also excellent hunters who used bows and arrows and sharp spears to hunt wild animals. अब कहा यह जाता है कि आर्यन जो थे वो बहुत जंगजू थे, बहुत अच्छा शिकार करते थे, उन्हें तीर कमान बहुत अच्छे से चलाना आता था, वो नेजे से बहुत ही शानदार तरीके से जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे. The Aryans used horses for traveling, hunting and in fighting war. आर्यन जो थे वो घोड़े इस्तेमाल करते थे सफर करने के लिए, शिकार करने के लिए या फिर जंगों में लड़ने के लिए. मैप शोइंग आर्यन माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया. द लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एट दैट टाइम वर कॉल्ड ड्रेविडियंस. अब कहा जाता है कि जो लोकल यानी कि ऑलरेडी जो वहां रह रहे थे उनको कहा जाता है ड्रेविडियंस. दे वर बेसिकली फार्मर्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ. अब वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे और काफी सेटल लाइफ थी उनकी, यानी कि बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे. दे वर डिफीटेड एंड पुश्ड टू द साउथ बाय द इनवेडिंग आर्यंस हु फॉट ऑन हॉर्सबैक एंड हैड बेटर वेपन्स. अब चूंकि आर्यंस जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वो वैसे वैसे, जैसा हमने पीछे पढ़ा कि वो लोगों के माल की चोरी कर रहे थे और जमीन भी फतह करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने जो ड्रेविडियंस थे उनको और पुश किया साउथ की जाने. और क्योंकि उनके पास वो बहुत जंगजू थे, बहुत ताकतवर थे, उनके पास जो हथियार थे वो भी बहुत बेहतर थे. द आर्यंस देन सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड यूज्ड देम फॉर ट्रैवल एंड इरिगेशन. आर्यंस जो थे वो
दरिया के किनारे जितना उन्हें अपना पड़ाव डाला, अब वहां से वो ट्रैवलिंग भी करते थे और उन्हें इस्तेमाल के लिए पानी भी मिल जाया करता था। अब देखिए पेज नंबर 38 पर जितना हमने रीडिंग किया उससे रिलेटेड एक सवाल बन रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु वर द आर्यन, यानी कि आर्यन थे कौन। हिस्टोरियन से दैट द आर्यन वर अ मिक्स ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन सेंट्रल एशिया एंड अराउंड द मेडिटेरेनियन रीजन इन यूरोप। They were nomadic and pastoral people. Nomads are people who move from place to place in search of food and for shelter from harsh weather. They raise livestock and use a barter system for trading. As well as moving to search for food, they also move from time to time to raid neighboring settlements and steal their treasures and to conquer other lands. ये सवाल आपने ऐसे तो सीखना है अपनी वर्कबुक में। Kindly submit your work assignment on Saturday, 24 April 2021. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you. Allah Hafiz.